हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज के वीडियो में हम जानेंगे अपना जो भी हमारा इक्विपमेंट एयर कंडीशनिंग का लगाया हुआ है, डीएक्स है, पैकेज है, चिलर है, तो उसमें ट्रबल शूट के बारे में हम जानेंगे और उसका फॉल्ट के बारे में कि अगर आपको इस तरह का आपको देखने को मिलता है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा क्यों है, हाई एम्स क्यों जाएगा, अपना हाई प्रेशर क्यों जाएगा, सक्शन प्रेशर हाई क्यों जा रहा है, लो प्रेशर क्यों जा रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इस ट्रबल शूट का दो तीन पार्ट में वीडियो हम बनाएंगे, तो आप सभी पार्ट्स को आप देख लेंगे, सभी पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आज हम सात क्या कहते हैं ट्रबल शूट का लिए हुए हैं, सात प्रॉब्लम अगर आपको इस तरह के सिस्टम में देखने को मिले तो आप इस तरह से आपका सिस्टम का ये प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम ये है, सिस्टम कॉजेस आपका ये रहेगा तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे क्या है, सिस्टम में ओवरचार्ज, अगर आप गैस को ओवरचार्ज कर दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर भी हाई मिलता है, सक्शन प्रेशर भी हाई मिलता है, लेकिन सुपर हीट हमारा लो हो जाता है और एम्स जो है हाई एम्स लेता है। अभी क्या है, डिस्चार्ज अगर सिस्टम में गैस ज्यादा चार्ज किया तो डिस्चार्ज प्रेशर हाई है, सक्शन प्रेशर हाई है, क्यों, ज्यादा गैस है उसके अंदर, लेकिन लो सुपरहीट होने के रीजन क्या है कि वो रेफ्रिजरेंट है, बॉयल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी उस एक जितना क्वांटिटी में चाहिए रेफ्रिजरेंट उतना क्वांटिटी मिलेगा तो सुपर हीट मेंटेन होएगा, बट उतना क्वांटिटी में उसको सुपर हीट नहीं, गैस नहीं मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो बॉयल होने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए हमारा जो है सुपर हीट लो हो जाएगा, ठीक है। और एम्स हाई इसलिए लेगा कि अगर सिस्टम के ऊपर आप ज्यादा लोड दे देंगे, किसी भी मशीन के ऊपर अगर आप ज्यादा लोड देते हैं तो उस कंडीशन में हाई एम्स लेने लगता है। तो अभी हमारा सिस्टम में गैस ज्यादा चार्ज कर दी तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, पंपिंग करना पड़ रहा है, तब उस कंडीशन में जो है हमारा हाई एम्स लेगा, ठीक है। अभी देखिए, अब हाई डिस्चार्ज प्रेशर ये होने का रीजन सिर्फ एक ही नहीं हो सकता है, ये एक मतलब मैंने बताया इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये आपका रहेगा तो ऐसा आएगा। हो सकता है अगर आपका कंडेंसर का फैन जो है रोटेशन चेंज हो गया, मान लीजिए थ्री फेज का फैन है तो आपका जो भी चिलर है, डीएक्स है, जो भी आउटडोर फर्नीचर जो भी है, अगर उसका रोटेशन रॉन्ग हो गया उस कंडीशन में भी आपका क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई आएगा, समझ गए। और फिर अगर मान लीजिए फैन ब्लेड टूट गया, कंडेंसर ज्यादा गंदा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो हाई जाएगा। तो आप उसको सामने से आप देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं कि आप हाई प्रेशर हाई सक्शन ये सब देख रहे हैं जाकर के सिस्टम में से गैस निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये तो आपका जो है इंटरनल फॉल्ट डिस्प्ले का ये है, जब बाहरी हमारा जो भी इक्विपमेंट के सामने जो नजर आ रहा है अगर वो सब ओके है तब हमको ये चीज का ये देखना है, समझ गए। अभी अभी नेक्स्ट क्या है, अभी सिस्टम में अगर अंडर चार्ज गैस किए हुए हैं, सिस्टम में गैस कम चार्ज किए हैं, तो उस कंडीशन में डिस्चार्ज प्रेशर भी हमारा लो दिखाएगा, सक्शन प्रेशर भी हमारा लो दिखाएगा, लेकिन सुपर हीट हाई हो जाएगा और एम्स हमारा लो लेगा, क्यों। अभी इसका रीजन क्या है, अंडर चार्ज में क्या है कि लो एम्स इसलिए लेगा कि गैस का रेफ्रिजरेंट कम है तो लोड कम पड़ेगा, उसको पंपिंग कम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है लोड भी कम होगा तो एम्स भी कम हो जाएगा, लेकिन लो रेफ्रिजरेंट होने के चलते एवापोरेटर में जो हमारा जो है रेफ्रिजरेंट जो है क्या जा रहा है, कम जा रहा है, तो कम क्वांटिटी का रेफ्रिजरेंट रहेगा तो जल्दी बॉइल कर जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 लीटर का पानी एक आप गर्म कर रहे हैं, एक 10 लीटर का पानी गर्म कर रहे हैं, तो दोनों का जो टाइमिंग है डिफरेंस हो जाएगा, ये जो है जल्दी बॉइल कर जाएगा अपना 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला लेट होगा क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम है। उसी हिसाब से क्वांटिटी कम रहेगा तो हमारा सुपर हीट जो है हाई हो जाएगा, हमारा एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट बॉइल होता है, सुपर हीट हमको बनाना पड़ता है अच्छे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिलरी पार्शियल ब्लॉक रहेगा तो भी हमारा ये सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कैपिलरी एक्सटेंशन फल अगर काम नहीं कर रहा है, मान लो एक्सटेंशन फल काम नहीं कर रहा है, दूसरा तो उसमें क्या है, या वो हल्का ब्लॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर लो रहेगा और आपका सक्शन प्रेशर भी लो रहेगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट कम मिलेगा तो कम ही रेफ्रिजरेंट पर अगर पंपिंग करेगा वो, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में सुपर हीट हाई हो जाएगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट कम मिल रहा है हमारा, तो उस कंडीशन में हाई हो जाएगा लेकिन एम्स भी हमारा जो है कम लेगा, ठीक है, लो एम्स लेगा, ये सिस्टम सिम्टम हो गया। तो ये आप सामने देख करके उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा इनइफिशियंट कंप्रेसर, इसका हम अभी आपको एक वीडियो दिखा देते हैं कि ये जो है ना ये पकड़ना बहुत मुश्किल है।
खास करके ये टिपिकल ये सब तो नॉर्मली जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये वाला जो है बहुत क्रिटिकल है और इसको पकड़ने के लिए। लेकिन इसके अब मैंने अभी सेम अभी एज ए टाइम प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने इस चीज का एक वीडियो बना लिया, तो मैं आपको जस्ट इसमें छोटा सा ऐड करके दिखा देंगे ये सिस्टम ऐसा दिखा रहा है तो आप क्या समझें। इन इफिशियंट में क्या होता है कि आपका डिस्चार्ज प्रेशर लो रहेगा और सक्शन प्रेशर हाई हो जाएगा, समझ गए, और उसमें क्या है सुपर हीट भी हाई हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है सुपर हीट हाई हो जाता है उसमें क्या है कि अगर इनइफिशिएंट में क्या है पंपिंग लॉस होने का कारण होता है। पंपिंग समझिए तो आपका वो कंप्रेसर फुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अभी रेफ्रिजरेंट को वो क्या है डिस्चार्ज लाइन के जरिए वो अपना भेजना चाह रहा है लेकिन वो जितना रिक्वायरमेंट में भेजना चाहिए उतना नहीं भेज पा रहा है कंडेंसर में, समझ गए। तो उस कंडीशन में क्या है कि डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया, कम होने के कारण जो है रेफ्रिजरेंट जो है सुपरहीट जो है इधर जो आ रहा है अपने एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो इधर आ रहा है ऑपरेटर में तो ये आपको जल्दी बॉयल हो जा रहा है क्योंकि उतना गैस उसको रेफ्रिजरेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो गैस तो अब बचा रहेगा ना सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर उतना गैस जो पड़ा हुआ है तो सक्शन प्रेशर हाई रहेगा क्योंकि वो पंपिंग नहीं होकर के वापिस बैक हो जा रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है वो वापिस बैक हो जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से सक्शन प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, सुपर हीट हाई हो जाएगा और एम्स जो है हमारा लो लेगा क्यों उस पर कंप्रेसर के ऊपर लोड कम है। सेकेंड उसमें क्या है ना उसका डिस्चार्ज एंगल जो है ना वो हीट भी थोड़ा कम रहेगा, एक और पहचाने का रीजन है। थर्ड क्या है कि उसका साउंड भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, साउंड वो साउंड तो मैं यहां से नहीं सुना सकता, वो सामने देखने के बाद मालूम चलेगा कि साउंड इसका कैसा, पहले साउंड कैसा, क्योंकि फुल स्पीड का जो रनिंग से जो कंप्रेसर हमारा चलेगा लोड में उसका साउंड डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर उसका वही 70% लोड हो गया 50% लोड हो गया उसका लोड का कंडीशन जो है उसका जो साउंड है थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। हेलो दोस्तों, ये हमारा ट्रेन कंपनी का चिलर है, इसके अंदर दो स्क्रू कंप्रेसर लगे हुए हैं, दो सर्किट। तो आपको सर्किट वन दिखाते हैं जो कि केपीए में देखिए प्रेशर इसका है 838 है आपका अपना सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर 1148 जो सक्शन ज़्यादा है और डिस्चार्ज कम है। अब सर्किट टू हम देखेंगे तो सर्किट टू में हमारा जो है सही दिखा रहा है और आप PSI में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये देखिए 472 हमारा सक्शन प्रेशर ऑपरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर जो है 1403 एम्बियंट के हिसाब से थोड़ा सा कम दिखा रहा है अपना डिस्चार्ज क्योंकि एम्बियंट बहुत ज़्यादा डाउन है यहाँ पे, लेकिन सक्शन हमारा लगभग सही दिखा रहा है 68। तो ये हमारा प्रेशर सही है जो कि सर्किट वन में हमारा ज़्यादा था, ठीक है। अभी हम आपको कंप्रेसर दिखाते हैं, दोनों हमारा सेम कैपेसिटी के कंप्रेसर है, ये देखिए दो स्क्रू कंप्रेसर हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो ये इसका डिस्चार्ज लाइन हमारा इधर है, डिस्चार्ज लाइन में जितना हीट होना चाहिए उतना हीट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात की साउंड भी थोड़ा सा इसका बहुत ही स्लो साउंड है, जितना साउंड इसको चाहिए रनिंग कंडीशन में उतना साउंड नहीं दिख रहा है, यही ओके ये हो गया। दूसरा हमारा लो एम्बियंट टेम्परेचर अगर रहता है, मान लीजिए हमारा आउटसाइड जो टेम्परेचर है एम्बियंट टेम्परेचर बोलते हैं मतलब एटमोस्फेयर अपना आउटसाइड के टेम्परेचर को, तो लो एम्बियंट टेम्परेचर अगर हमको मिलता है तो उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज प्रेशर भी जाता है, क्यों आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम टेम्परेचर के हिसाब से हमारा प्रेशर जो है अप एंड डाउन होता है। अभी ऑलरेडी हम प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में हम आपको बताया थे कि किसी भी फ्रेम का प्रेशर और टेम्परेचर सॉरी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए, कोई भी गैस है कोई भी रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे सिस्टम में कितना सक्शन होगा डिस्चार्ज होगा और कितना टेम्परेचर पर कितना उसका प्रेशर जाएगा, तो हम आपको बताया था उसी हिसाब से अगर हमारा एम्बियंट अगर डाउन है तो उसमें क्या है लो प्रेशर आएगा, लो लो सभी लो आएगा, प्रेशर सक्शन डिस्चार्ज सुपरहेड सब लो आएगा, एम्स भी हमारा लो ही लेगा क्योंकि लोड कम है ना अपना एम्बियंट टेम्परेचर का, टेम्परेचर डाउन है। वही अगर हाई हो जाता है तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर एम्बियंट टेम्परेचर हाई जाता है तो ये सब थोड़ा टाइम पीरियड है, खास करके ये लो एम्बियंट टेम्परेचर ये ठंडी के टाइम में ऐसा सिचुएशन रहता है और हाई एम्बियंट टेम्परेचर ये जो है ज्यादा गर्मी के टाइम में, लेकिन ये कुछ टाइम ऐसा होता है मतलब जैसे 2-4-10 दिन के बीच में इन बिटवीन में जो है ना किसी दिन बहुत ज्यादा हीटिंग रहता है हीट रहता है, तो उस सिचुएशन में कभी कभी चिलर हमारा ट्रिप कर जाता है या छोटा भी इक्विपमेंट है डोमेस्टिक वो भी ट्रिप कर जाता है। तो हाई एम्बियंट टेम्परेचर रहेगा तो डिस्चार्ज प्रेशर क्यों आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके हिसाब से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा हाई हो जाएगा, उसी तरह से हमारा सक्शन प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, सुपर हीट भी जो हमारा है वो भी ज्यादा आएगा, हाई एम्स भी ज्यादा लेगा क्यों लोड भी ज्यादा है ना प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो लोड भी ज्यादा मिल रहा है ओके। नेक्स्ट हमारा है डर्टी कंडेंसर, कंडेंसर अगर गंदा है इस सिचुएशन में भी जो है हमारा प्रेशर जो है डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा सक्शन प्रेशर भी हाई जाएगा, क्यों हाई जाएगा
अभी रेफ्रिजरेंट को मान लीजिए जितना कंडेंस कराना है उतना कंडेंस वो करा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें फैन ब्लेड भी यहीं पे ऐड कर देते हैं, फैन ब्लेड भी अगर टूट जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या है कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हाई ऑलरेडी सब हाई जाएगा, क्यों, उसको जितना कंडेंस कराना है वहां से वेपर से लिक्विड में बदलना है कंडेंसर में। जो हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, स्टेटस चेंज होता है रेफ्रिजरेंट का, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड में जब कन्वर्ट नहीं होगा ऑलरेडी वेपर कंडीशन में ही आएगा, तो उस कंडीशन में अपना सक्शन लाइन में भी और वेपराइज हो जाएगा कि यहाँ पे तो हीट को ऑब्जर्व करता है हमारा, तो वेपर होने से क्या है कि सक्शन प्रेशर भी हाई जाएगा और अपना ये सुपर हीट भी जो है ज्यादा हाई जाएगा। अब उसी हिसाब से कंप्रेसर पे क्या कहते हैं लोड भी ज्यादा पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो है एम्स भी हाई जाएगा। तो इस तरह के कुछ कॉजेज हैं जो आपको कुछ समझ में आया होगा, इस तरह का आपको देखने को मिले तो आप समझ जाए कि इस तरह का प्रॉब्लम है। और ये तो ज्यादातर आपका बड़ा इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसमें डिस्प्ले में इस तरह का शो होता है सभी रेफ्रिजरेंट का, बाकी अदरवाइज आप मैनुअली चेक करें, चेक करने के बाद देखें, अदरवाइज आपको हार्डवेयर सामने से देख लें अगर वो कोई फॉल्ट नहीं है तो उसके बाद आप क्या कहते हैं इन बिटवीन रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड आप इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी पार्ट्स का सभी मतलब कॉजेज के बारे में आपको हम बता देंगे, तो अगर आप उस चीज को ध्यान में रख लेते हैं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना आप ख्याल रखें।